ऐसे तो साबर उनके साथ छह कॉन्स्टेबल थे, छह साथ जिनकी वीडियो है मेरे पास, उनके ऊपर अगर उचित कार्रवाई करके उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है तो भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन ये जो छात्रों के ऊपर एक एक लाठी है उसका बदला लेके रहूंगा। मेरा मैं एक खुद पुलिस वाले की फैमिली से हूँ और हम अगर चाहते हैं कि हमें पत्थर ही, हमारे हाथ में कोई हथियार थोड़ी था कि हम यहाँ पे कोई उपद्रव करेंगे, झंडे लेकर हम हाथ में कागज लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने पहुंचे थे, अपनी मांगे लेकर आए थे यहाँ पे, एनसीसी शुरू करवाने के लिए, उर्दू विषय शुरू करवाने के लिए, कई सारे हमारे सब्जेक्ट के टीचर नहीं है वहाँ पे, कैंटीन नहीं है हमारे कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होते हमारे कॉलेज में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है बच्चों के लिए, तंग होते हैं वहाँ पे। हम अपने छात्र के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, पुलिस वालों ने जब क्लियर चढ़ाई की तब लाठीचार्ज किया हम सब पर, पूरी पूरी चोटे देखे, पैंट फटी हुई है यहाँ पे मेरी, पूरी पूरी चोटे हम बहरा जाना धमाकू कर देना चाहिए, तो वो मैं सगड़ा छात्र अधिकार लिए आज तक के इतिहास मेरे हिसाब से इतना विद्यार्थी एक जाजम पर आज तक कौन बैठा। खबर लोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू कलेक्ट्रेट पर एनएसयूआई द्वारा जो प्रदर्शन करो जा रहे हो, बिकमान छात्रा के ऊपर जो लाठी भांजी जाए ही, जो माहौल काल बना है बिनी लेके, अभी एनएसयूआई पूर्व महासचिव राहुल जाखड़ है जो भाई अभी धरना पर बैठे है, बातचीत कर सकें कि कौन सी के मुख्य मांग ही बन लेके अभी ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बना रहो वीडियो लास्ट तक देखो तो पूरी जानकारी है जो बिकमान थाने मिल जैसी। नमस्ते भाई। नमस्कार। आज कौन सी के मुख्य मांगन लेके है जो धरनो शुरू करे गए है? देखो पहले 10 दिन पहले अठे आपा एक ज्ञापन दियो हो सात सूत्री मांगन लेके बन लेके कि आपा 10 दिन पहले ज्ञापन दे कि प्रशासन ने चेतायो कि अगर 10 दिन में हमारी मांगा नहीं मानी जा तो एक छात्र अधिकार रैली को आयोजन होगो और उनके बाद में आपा अनिश्चितकालीन धरना के ऊपर बैठांगा और अगर जरूरत पड़ी तो आपा भूख हड़ताल पर भी बैठांगा। काल का घटनाक्रम की बात करा कि पुलिस के द्वारा भी बिकमान बल प्रयोग करो जा है, बिके बाद में छात्रा के द्वारा भी जो पत्थरबाजी करो जा है, तो ये जो घटनाक्रम हो की वजह है कि स्थिति उत्पन्न हुई कि पुलिस ने बल प्रयोग करना पड़े है, छात्र ही जो पत्थर मारना पड़े हैं? देखो कल जब रैली यहाँ से शुरू हुई थी तो बहुत सारे छात्र थे, हजारों की संख्या में छात्र थे, पुलिस प्रशासन के कहने पे हमने एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सब देख भी रहे थे, रो वाइज कलेक्ट्रेट तक ज्ञापन देने पहुंचे थे, कलेक्ट्रेट पर जाकर जब आपस में एक दूसरे को संबोधन दे रहे थे तब हम सब ने ये एक राय की कि अपन अब सभी साथी कलेक्टर साहब को, या तो कलेक्टर साहब हमारा ज्ञापन लेने आ जाएं या हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, तो वहाँ पे हमें मना किया गया कि सिर्फ दो या तीन लड़के अंदर ज्ञापन देने जाएंगे, हमें रोका गया। फिर जब हमने थोड़ी सी कोशिश की कि हम जैसे तैसे अंदर जाने का प्रयास करें तो क्या होता है, अचानक से जो पुलिस कांस्टेबल है उनके द्वारा लड़कियों के ऊपर लाठियां बांधी जाती हैं और वहाँ पर ये सिचुएशन ये पैदा कर दी जाती है कि स्टूडेंट्स उनके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। अगर आप वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओगे, कलेक्ट्रेट के ऊपर इतने कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर हम जब अंदर जाने का प्रयास करते हैं तो अचानक से उन लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है, जहाँ पर यहाँ पर जिले का सबसे बड़े महाविद्यालय है, इसमें अगर गरीब किसान वर्ग का विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने आता है, अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो प्राइवेट कॉलेजों में बड़ी कॉलेजों में पढ़ लेगा। फिर जब वो विद्यार्थी सैकड़ों की संख्या में लड़कियाँ भी थी, जब पुलिस कांस्टेबल द्वारा उन लड़कियों पर लड़ाई मारा जाता है तो मैं वहाँ जब गेट के ऊपर चढ़ा हुआ था तो मैं नीचे आता हूँ, जब मैं नीचे आने का प्रयास करता हूँ तो मेरा पैर वहाँ से खींचा जाता है, वहाँ से गिरने से मैं बेहोश हो जाता हूँ। फिर जैसे तैसे मेरे साथी मेरे को खड़े करते हैं, फिर वहाँ से लाठी चार्ज हो जाता है, किसी अफरा तफरी मच जाती है, कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि सोच नहीं पा रहे थे कि हम छात्र हैं या हम कोई गुंडे हैं यहाँ पर जो अपनी मांग मनवाने यहाँ पर पहुँचे हैं। जब उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है तो फिर उधर से एक लेडी कॉन्स्टेबल आती है, वो सर पकड़े हुए आती है, उनके सर से खून निकल रहा है, वहाँ पे बोलते हैं कि छात्रों ने पत्थर फेंके जिनसे लेडी कांस्टेबल को चोट लग गई है। मैंने सोचा यार ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि मैं एक खुद पुलिस वाले की फैमिली से हूँ और हम अगर चाहते हैं कि हमें पत्थर ही, हमारे हाथ में कोई हथियार थोड़ी था कि हम यहाँ पे कोई उपद्रव करेंगे, झंडे लेकर हम हाथ में कागज लेकर यहाँ पे ज्ञापन देने पहुँचे थे, जब फिर पता चलता है कि अपन सीसीटीवी फुटेज निकलवाएंगे कि एक पुलिस कांस्टेबल की लाठी उस मैडम को लगती है और मैडम सर पकड़ के वहाँ पे आती है और उसको ये रूप दे दिया जाता है कि छात्रों द्वारा पथराव किया गया, उसके उन मैडम को नुकसान पहुँचता है। फिर अपन जब सभी वीडियो को देखते हैं, रात को हम बैठे बैठे देख रहे थे तो पूरी वीडियो देखने पता चला दो नकाब लगाए हुए, अपन ध्यान से देखेंगे दो या तीन लड़के थे जो नकाब लगाए हुए वहाँ पे आते हैं, अचानक से पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। फिर हमारे जो आंदोलन है उसको अगर हम उपद्रव मचाना ही चाहते तो साहब यहाँ से अपन रो के हिसाब से थोड़ी चलते, हमने पूरा प्रशासन का सहयोग किया। लेकिन मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आई, जब हमें यहाँ से ले जाया जाता है, हमारी गुद्दी पकड़ के, बाढ़ पकड़ के
हमें पुलिस की गाड़ियों में डाला जाता है, लड़कियों के साथ ये पुलिस कॉन्स्टेबल उनके साथ मारपीट करते हैं, फिर जैसे हमें गाड़ियों के अंदर धकेला जाता है तो ड्राइवर जो गाड़ी का होता है उसका काम मेरे हिसाब से गाड़ी चलाने का ही होता है। वो हमारे एक ये साथी एक से बैठा, तीन साथी थे, चार साथी थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग सूझगी, उसके बाल पकड़े जाते हैं, उसको जाते सूझक गाड़ियाँ निकाली जाती है, फिर उनको बोलते हैं आ जाओ तुमको नेता बनाते हैं, तुम थाने में चलो। जब हमें थाने में ले जाया जाता है तो हमें एक तरीके से ऐसे टॉर्चर किया जाता है कि हमने पता नहीं कितना बड़ा अन्याय कर दिया। अभी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँ, थी या चीज़ बोल रहे हो कि वो प्रदर्शन NSUI के द्वारा करो जा रहे हो, लेकिन NSUI का ही कुछ पदाधिकारी के द्वारा यह चीज़ बोले जा रही है कि NSUI बदनाम करने का प्रयास करे जा रहे हैं, NSUI को कोई रोल कमान को नहीं है? देखो मेरे पास आज के दिन संगठन में ना तो कोई पद है, पूर्व पदाधिकारी हूँ, यहाँ से मोरारगा कॉलेज से NSUI का प्रत्याक्ष ही रहा हूँ, और मैंने मेरे संगठन की लगातार 6 साल अपनी माँ मान के सेवा की है, और संगठन में मेरा कभी ये रहता ही नहीं है कि मैं किसी पद पे रहूँ, मैं नेता बनूँ। मैं यहाँ पे कॉलेज में जिस दिन प्रवेश लिया था तो मैंने नेता बनने के लिए प्रवेश नहीं लिया था। पीछे जब अपन देखते हैं कैंटीन का मुद्दा रहा है, गर्ल्स टॉयलेट का रहा है, ग्राउंड बनवाने की बात रही है, हम ही एक ऐसे लोग हैं जो छात्र संगठन NSUI का झंडा पकड़ के कम से कम 3 बार भूगढ़ ताल पे बैठे हैं, 3 साल से वॉशरूम के पैसे अटके पड़े थे, PWD से हमने निकलवाए, कला से नहीं लग रही थी कला से हमने लगवाई, हर चीज़ जब ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे आते हैं। और मेरे को खुद को शर्म आती है कि कोई नेता एक NSUI के जो हम कांग्रेस के एक छोटे से सिपाही हैं, NSUI के एक छोटे से सिपाही हैं, अगर हम कोई छात्रों के हक के लिए लड़ते हैं और हमें कोई बोलता है कि NSUI के कार्यकर्ता ही नहीं है, इसे गंदी बात नहीं हो सकती। NSUI कांग्रेस को अग्रिम एक संगठन माना जा है, लेकिन वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस उन मंत्री ही दो भी के बाद में भी आज NSUI का कार्यकर्ता ने ये प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहे हैं? छोटी मांग ही अगर बहु मनवाई भी जा सके हैं। देखो पिछले 1 सालों लगातार मैं मंत्री साहब से मिलने को प्रयास करियो है, उस कलेक्टर साहब ने भी ज्ञापन में रेगुलर दिए ही, और कम से कम साल के अंदर 10 ज्ञापन के माध्यम में पहुँचाने को। तो आपने एक कहड़ी है कि जब बहरा हो जाना धमाकों कर देना चाहिए, तो वो मैं सगड़ा छात्र अधिकारी लिए आज तक के इतिहास मेरे हिसाब से इतना विद्यार्थी एक जाजम पर आज तक कौन बैठा, लड़का लड़की मतलब जब आप जोश जुनून देख रहा ये जो चाल रहा बीजा था लड़का लड़किया को जुनून बन रहे हो, तो खुद ने भी यहाँ हो रहे हो कि यार अब तो मांग मनवानी पड़ेगी। 22 स्टूडेंट गिरफ्तार भी करे गए हैं, तो बिकले भी कोई प्रयास करा जाएगा कि क्योंकि स्टूडेंट ही सिर्फ पटबक ले आऊँ बाको केस आऊँ दूरी रहने को पसंद करे हैं, अगर कोई भी आंदोलन में देखो जाए, और हमेशा ही चीज़ को डर है कि स्टूडेंट न रहे, अब के प्रयास करा जाएगा कि बाऊँ बन मुक्त करवाया जाए? देखो मेरो हमेशा एक प्रयास रहे कि कॉलेज में 60-70 रुपया किराया लगा कि टाबर इजाऊँ तो वे एक बहुत बढ़िया शिक्षा जो प्राप्त करके जहाँ जाऊँ तो यही घूम के नहीं चल जा। मैं कौन सा हुआ कि टावरा नहीं जा बेड़ा करा, माने भी कोई नारेबाजी करना, स्वाद गुनिया हुई तावड़ी में जा बैठा, मैं कौन नहीं चाहूँ कि भाई ये 2 क्लास डिस्टर्ब करके मैं बा नहीं जा, ताड़ो बंद करवाने ले आवा, बंद कलेक्टर ताने ले जाऊँ। लेकिन क्यों हो गया आप जब महाविद्यालय में एक्टिव रहा, अगर आपने ने अपना जूनियर अपना सीनियर माने तो फिर चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो बस आप बातचीत करा। अब यहाँ तो हुआ को नहीं कहते भी कि राहुल एक लो लागे और सगड़ा टावरा ने बेड़ा कर ले, हर टावर को मत हो हस्ताक्षर अभियान चलायो, हर एक टावर हस्ताक्षर अभियान में रुचि ली। फिर मन में खुद यार बोले भैया अब तो आपने के सिर को ऊपर की पानी चल गयो, बोले आपा सरकारों मिलेगा, बोले भैया सरकार आपनी है, सरकारों मांग माने नहीं माने लेकिन मैं तो प्रयास करेगा थे मारा सागो हो को नहीं। तो मेरो आज तक 6 साल की छात्र राजनीति में टावर मेरो सागो दियो तो मेरो हिसाब बने कि मैं आगे अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आऊँ। जद बन 22 टावर ने बीजा गिरफ्तार कराया बीजा भी मारसा के मतलब इतनी गंदी गंदी हरकतें हुई जबकि कोई आपा कल्पना भी कौन कर सका। बैठिया की अधिकारी साहब मन पूछ रहे हैं कि ते पूर्व पदाधिकारी हो या वर्तमान पदाधिकारी हो और थारी नेतागिरी में उतार दूँ हो, तो मेरे हिसाब एक एजुकेटेड अधिकारी को यो काम कदे को नहीं हो उसके, क्योंकि मैं कहने से एक सिपाही यार तो मैं पूर्व और वर्तमान कदे को नहीं हो उसका। एक कार्यकर्ता एक ऐसा होता है उसके कभी ना तो पूर्व लगता है, कार्यकर्ता का कोई पदाधिकारी पूर्व हो सकता है लेकिन एक कार्यकर्ता कभी पूर्व नहीं हो सकता। इन मांगों को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम अपनी मतलब आंदोलन की आगे की के रणनीति रहेगी के प्रयास जो कराया जाएगा कि कौन सी के मांगा लेके अभी प्रदर्शन शुरू करे हुए। देखो 7 सूत्री मांगा ही मारी सबसे मोटी NCC आपने कई सालों साल तैयारी है, प्राइवेट कॉलेज है मोतीलाल 25-30 हज़ार रुपया फीस मिनिमम है, अपने इजा 1500-2000 रुपया हम अगर टाबर पढ़ लें, क्योंकि आपनों जिलों शहीदा का मामला आपनों जाने जाए शहीदा का नाम हुआ आपनों जिलों जाने जाए। दूसरा नंबर पर आप उर्दू विषय की बात करा, उर्दू जब 12th पास करने के बाद में विद्यार्थी जहाँ एडमिशन लेना हो
तो पाके उर्दू सब्जेक्ट हुआ जहाँ आपने मुस्लिम वर्ग का साथी ये जो मांग ही ये सात सूत्री मांगा लेके कल कलेक्टर मिलबा जा रहा है तो क्या मुलाकात हो पाई जो ज्ञापन है बात तक पूछे गए अभी तक मारे के मतलब मारे सागे बीजा जब मैं पूछा लग गया तो मारे सागे पुलिस प्रशासन तो माने खड़े को नहीं होने दे रहे हो तो कल को जो घटनाक्रम हो जो पुलिस और विद्यार्थी के बीच में भी ने भी कोई जाँच को करवाने की कुछ मांग करी है बी चीज ने लेकी मैं आज यहाँ बैठे कि जका अधिकारी आ के बाकी के जकी मन साई कि के तरीकों में बाकी ऊपर लाठी चार्ज करियो लड़किया के ऊपर पुलिस कांस्टेबल द्वारा मारनो तो मैं ही चीज ने लेके आज बैठा कि तीन या चार दिन को टाइम दे रहा सरकारों भी उम्मीद करा कि जका विद्यार्थी जका आने वाला इस राजस्थान को भविष्य ही जका या सरकार बनाई बट आपरा के ऊपर बाकी मंगा लेके अगर बाकी ऊपर लाठी चार्ज हो तो यह शर्म की बात है थारे माध्यम ऐलान करना चाहूँ कि अगर जो SHO साहब है उनके साथ छह कॉन्स्टेबल थे छह साथ जिनकी वीडियो है मेरे पास है उनके ऊपर अगर उचित कार्रवाई करके उनको सस्पेंड नहीं किया जाता है तो भूख हड़ताल पे बैठूंगा मर जाऊंगा मिट जाऊंगा लेकिन ये जो छात्रों के ऊपर एक एक लाठी है उसका बदला लेके रहूंगा। अभी एक जो फिलहाल NSUA की बात करी जा रही है तो अलग अलग गुटाम बंट रहे हो तो क्या प्रयास किया जाएगा ये घटनाक्रमों की एकजुट बनकरण का भी कुछ प्रयास किया जाएगा कोई अपील जो छात्र ही बाहू करना चाहो कि भाई ये घटनाक्रम में कुछ मदद है जो थारे साथ जो छात्र है बाकी कुछ करें। देखो जो ये बच्चा बैठे हैं मेरो जब NSUA को नाम सुनू तो NSUA को दूसरा नाम ही मैं संघर्ष मानू। आज के दिन आपने छात्र नेता ही कोई भी पदाधिकारी हो बे इस संघर्ष की चीज ने भूल चुके हैं सड़क पर उतरना भूल चुके हैं एक नंबर प्लेट तक ही आपने जिले के मैं पदाधिकारी सीमित रह चुके हैं तो यह असली NSUA ये जगह बैठे हैं यही है कोई गुट बता रहे हैं। देखो मैं कदे भी कौन सा हूँ कि कोई गलत है सही है मैं कदे मेरे मुँह से कदे कोई चर्चा भी कौन करूँ कि कोई पदाधिकारी गलत है सही है लेकिन मैं तो अपना आपने कहने को छोटा NSUA की जो प्रदेश कमेटी है या राष्ट्रीय कमेटी है भी कोई अपील करना चाहो कि बाप भी कुछ छात्रा की एकमान मदद करे। देखो मेरी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सबको मामले को पता चल चुका है मैं तो यही उम्मीद करूँगा हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो हमारी मांग को आगे तक पहुँचाएंगे और जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा किया जाएगा और सबसे प्रमुख तो देखो इन मांगों को मानना न मानना अलग बात सरकार की मंशा है ये सात मांगी है सात कोई मोटी मांगी नहीं है होने वाली चीज़ें हैं अगर अभी नहीं होगी तो कब होगी। अब अगर अपनी गवर्नमेंट है इसके अंदर अपने काम नहीं करवा सकते तो अपने को कोई अधिकार ही नहीं है कि अपने गवर्नमेंट की हाथा जोड़ी रखें। रही बात प्रदेश अध्यक्ष जी से तो पूरी पूरी उम्मीद है जो छात्रों पर प्रमुख काम तो आज के दिन एक मुद्दा प्रमुख यही जुड़ेगा कि छात्रों पर लाठी चार्ज करने वाले को एक भी अधिकारी को बक्सा नहीं जाएगा। मैं वहाँ पर इतना टॉर्चर किया गया जिसकी कोई हद नहीं है शाम को 7:30 बजे हमको वहाँ से छोड़ा जाता है। मेरे हिसाब से पानी के लिए भी हमें पूछा नहीं गया जब हम अपने पानी के लिए भी बोलते हैं तो बैठे रहो तुम नेता हो गया तुम्हारी नेतागिरी उतार दूंगा ऐसी ऐसी बातें एक अधिकारी की मुझे शोभा नहीं देती। तो हमने आज ये धरने पर बैठे हैं चार दिन का टाइम दिया है 100% भूख हड़ताल पर उतरेंगे इसमें कोई मीन मेक नहीं है और आगे जो भी उम्मीद है जल्द से जल्द कलेक्टर साहब प्रशासन सब मिलके एक उचित कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद। तो बात करी राकेश जी राहुल भाई अभी और जो घटनाक्रम कलेक्ट्रेट पर घटे हो भी के बारे में भी विचार जाना और के है जो छात्र ही बहुत की उम्मीद करे हैं प्रशासन की उम्मीद करे हैं पर आप बातचीत करी वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। देसी खबर अगले खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।